हेलो एवरीवन। तो आज का जो ये वीडियो है ये करवा चौथ पार्ट टू है, उसी के आगे का मैं दिखा रही हूँ। पहले जो पिछला वीडियो था उसको मैंने शाम तक कंटिन्यू किया था, उसके बाद जब पूजा की तैयारी करी थी। और हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता, कोई भी पूजा होती तो पैरों में आलता लगाना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर मैंने पैरों में आलता लगा लिया है और मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली। यहाँ पर मेरे करवा भी सब रेडी हैं, जो पूजा की पूरी थाली रेडी है, अब बस मुझे रेडी होना बाकी है। तो बस मैं रेडी हो जाऊंगी, उसके बाद फटाफट से पहले मैं नीचे की पूजा करूंगी, उसके बाद चांद की। एक पता है फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम हो गई थी। मैं ब्लाउज ले आई थी और लटकन नहीं थे इसके जो होते हैं वो, मैं ना सोची थी कि वहाँ लगा लूँगी और मैं भूल गई। अभी मैंने खोला, अभी बज रहा था शाम का 7:15 बज रहा था। और मुझे बस ये तो कहो, जो शॉप है मेरे घर के सामने ही एकदम बस गली से निकलते ही, तो ये मैं लटकन लेकर आई हूँ। सेम कलर के मिल गए और उनके पास लास्ट पीस बचा था। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अब मैं इनको लगा के फटाफट से रेडी होने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और सेफ होंगे। मैं अब बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। 8 बज रहा है, बस तैयार हो गई हूँ। ये चूड़ा और ये वाली येलो वाली साड़ी मैं लेकर आई थी, तो ये साड़ी मैंने पहनी है, गले में ये पहना है। और इसके सेट की जो लंबा वाला था वो पहनने जा रही थी, बट वो फिर मुझे ना मेरा बीपी लो हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग सी आ रही है, इसलिए मुझे ना बहुत हैवीनेस फील हो रहा है, इसलिए मैंने उसको उतार के रख दिया है। और वैसे भी साड़ी में मुझे बहुत ज़्यादा वैसे भी अनकम्फर्टेबल फील होता है। सारा सामान सब कुछ वैसे ही फैला पड़ा है, कोई भी सामान मैंने भी नहीं समेटा। ये देखिए, हिम्मत नहीं पड़ रही है कुछ भी। अब बस ये लग रहा है फटाफट से पूजा हो जाए, पानी मिल जाए, पानी पीऊँगी। बस ऐसे ही हल्का फुल्का मेकअप भी कर लिया है। जैसा भी हुआ है, जो भी हुआ है वो आप लोगों के सामने है। कैसे लग रहे? गजरा यहाँ पर इन्होंने अरेंज किया है, मिल गया है। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं और पहले नीचे की पूजा करेंगे, उसके बाद हम लोग छत में चलेंगे, चांद निकलेगा तो वहाँ पर पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैं ना सबसे पहले जो नीचे कैलेंडर लगा लिया है, और यहाँ पर ये जो पीला पीला मैं लगा रही हूँ इसको अइपन बोलते हैं। ये चावल के आटे से बनता है। हमारे यहाँ कोई भी पूजा हो अइपन लगा के इसको, मैंने अइपन लगाया है। उसके ऊपर से लगा लूँगी सिंदूर और इसके ऊपर ही जो ये करवे हम मैंने रखे हैं वो रखूँगी। और उस पहले सबसे पहले नीचे की पूजा करूँगी, उसके बाद बहुत से लोगों के क्या होता है कि डायरेक्ट ऊपर चंद्रमा की पूजा होती, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोगों के यहाँ शुरू से, मैंने मम्मी को भी ऐसे ही करते देखा और फिर हम लोग ससुराल में भी ऐसे ही करते हैं। तो करवा अइपन लगा के सिंदूर लगा के करवे रख दिए और गौर माता रख दिए। उसके बाद सबसे पहले दीपक जला रही हूँ। कहते हैं ना कि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए कोई भी पूजा करने से पहले सबसे पहले दीपक जलाना जरूरी होता है और दीपक जलाना चाहिए। तो मैंने दीपक जला दिया है, आरती जला ली है और सब। उसके बाद मैं अब अपनी शुरुआत करूँगी पूजा। तो पहले जो कैलेंडर में जा सारे भगवान जी बने, इनमें मैंने जो ऐपन बनाया है वो ऐपन लगा दिया है। इसके बाद इनमें लगाऊँगी सिंदूर, और सिंदूर लगाने के बाद आज हमारे यहाँ बहुत से लोगों के यहाँ जो पूरा खाना होता है वो प्रसाद में रखा जाता है, बट हमारे यहाँ पूरा खाना नहीं रखा जाता है। चावल के आटे के लड्डू बनते हैं, उनको पिन्नी बोलते हैं, उनका ही भोग लगता है करवे के अंदर। हमारे यहाँ जल नहीं होता है करवे के अंदर भी, वो पिन्नी ही रखी जाती है। 4-4 पिन्नी दोनों करवे में नए चावल से बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने जो कैलेंडर था उसकी पूजा करी, उसमें अइपन लगाया, सिंदूर लगाया और भोग लगाया चावल लावल छीन के। उसके बाद जो ये करवे रखे हैं मैं इनकी पूजा करूँगी। और माले मैंने बना के रख लिए थे पहले ही करवे के, तो वो माला वगैरह चढ़ाऊँगी और कहानी कहूँगी पूरी, जो पिन्नी वगैरह है उसका भोग लगाऊँगी, गौर माता की पूजा करूँगी। सारी पूजा करने के बाद उसके बाद कहानी कही जाती है, जो इसमें कथा है करवा चौथ व्रत कथा। वैसे तो ये कैलेंडर में भी लिखी है, नहीं तो बहुत से लोग फ़ोन वगैरह में भी चला लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इसकी अलग से बुक भी आती है, लेकिन मैं हमेशा जो कैलेंडर में लिखी होती है इसी से पढ़ लेती हूँ। ये देखिए मैं भोग लगा रही हूँ, यही है जो चावल के आटे की पिन्नी, इन्हीं को बोलते हैं।
तो इसमें क्या होता है, चावल को पहले भिगाया जाता है, उसके बाद उसको सुखाया जाता है, फिर इसको पीसा जाता है। उसमें काली मिर्च, चिरौंजी, खोया वगैरह सब चीनी वगैरह डालकर इसके लड्डू तैयार किए जाते हैं, इनको पिन्नी बोलते हैं। तो ये सब पूजा करने के बाद फिर मैंने कथा भी कही थी, वो वाली क्लिप अच्छी नहीं आई तो मैंने हटा दी थी, यहाँ पर कथा मेरी हो गई है। और नीचे की जो पूजा है वो संपन्न है, संपन्न हो चुकी है। अब बारी आती है, अभी आरती करनी है यहाँ पर नीचे, उसके बाद बारी आती है ऊपर की। तो ऊपर की जो पूजा है वो चंद्रमा निकलने के बाद ही शुरू होगी। तो नीचे की पूजा हो गई है, मैंने आरती भी कर दी है। अब चलिए आप लोगों को अपना फुल लुक दिखाती हूँ। आज के जो भी वीडियो मम्मी ने ही बनाए हैं, तो जैसा भी हो जो भी हो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत मम्मी का हाथ वगैरह की वजह से थोड़ी बहुत लाइट, देखिए वो तो हमेशा तो वीडियो बनाती नहीं है कि उनको आईडिया, उन्होंने मेरा इतना ही हेल्प कर दी, इतना ही वीडियो बना दिया, यही मेरे लिए बहुत है। तो बस ये रहा मेरा फुल लुक, कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जो नीचे की पूजा होती है वो हो चुकी है, पर चंदा मामा अभी भी नहीं आए हैं। अब तो वहाँ हमारा कोई भाग, मतलब अब तो वो हमारे ही हैं चंद्रयान 3 के बाद, उसके बावजूद भी अभी भी नहीं आए। टाइम हो रहा है 8:30 बज रहा है, आई थिंक यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि थोड़ा सा नीचे हम लोगों के, वहाँ फतेहपुर में हम लोग ऊपर वाली छत से देखते हैं तो दिख, क्योंकि आगे कोई बिल्डिंग वगैरह कोई घर वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट चंदा मामा आते हैं और तुरंत दिख जाते हैं, तो वहाँ तो दिख ही गए होंगे। बस अब हम लोग छत में जा रहे हैं, नीचे की जो भी पूजा थी वो हो गई है, फोटो शूट हो गया है, मम्मी ने वीडियो शूट किए हैं सारे, जो भी वीडियो सब मम्मी ही शूट कर रही हैं, और पूरा लुक भी मम्मी ने ही दिखाया है। कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा आप मेरे साथ। तो बस चूड़ा कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं छत में और वहाँ की पूजा करते हैं, और फिर क्योंकि प्यास बहुत तेज लगी 8:30 बज गया, फिर पानी वानी पीते हैं। तो फाइनली काफ़ी वेट के बाद 9:15 बजे चंदा मामा निकल आए थे। तो बस मैंने पूजा जो है वो अपनी शुरुआत कर दी है, बस वैसे ही पूजा, पहले जो ऐपन होता है उसको वो छिनकते हैं, और सिंदूर, चावल, फूल और जो पिन्नी बनाई है वो सब करते हैं। और यहाँ पर ना लाइट छत में बिल्कुल भी नहीं थी, तो मम्मी एक हाथ से वीडियो बना रही थी, ये देखिए उधर से दो फ़ोन से फ्लैश जलाए थे, तब मेरा वीडियो है वो बन रहा था, क्योंकि कोई भी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी लाइट की। कोशिश तो उन्होंने बहुत करी किसी ना कोई ऊपर लाइट लग जाए, बट ऐसे भी चल गया, अच्छा वीडियो आ गया। अभी ये भी इस साइड आ जाएंगे ना तो और अच्छा वीडियो आएगा। तो मैंने इनको बोला कि आप भी इधर ही आ जाओ, इधर से ही दिखाओ, तो काफ़ी अच्छा वीडियो आ जाएगा। तो जैसे देखिए मेरे यहाँ पूजा होती है वैसे ही कर रहे हैं, बहुत लोगों के यहाँ जो करवे से ही अर्घ दिया जाता है, बट हमारे यहाँ अलग से लोटे में मैं जल लेकर आई हूँ, वो जल और जो बाल की एक लट निकाल कर फिर अर्घ दिया जाता है, लट और सोने, हाथ में सोने का कोई भी गहना लेकर। तो अभी जो ये सीख होती है ये, और चावल, ये सॉरी गेहूं के आटे के लोइयां होती हैं उनको फरे बोलते हैं, तो उनको सीख और वो फरे एक साथ उनको मतलब चढ़ाए जाते हैं और आरती की जाती है। करवे से ही आरती की जाती है, ऊपर मैं आरती लेकर नहीं आई हूँ, ऊपर करवे से ही आरती करी जाती है हमारे यहाँ। तो बस मैंने आरती कर दी है और सब भोग वगैरह चढ़ा दिया। यहाँ पर देखिए मैं अपने हाथ से रिंग निकाल रही हूँ और लोटे का जो जल है वो लेकर गई हूँ, और इस तरह से बाल की एक लट लेकर उसमें रिंग फंसा कर फिर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो बस मैं वैसे ही कर रही हूँ जितना मुझे आता है, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ मेरी पूजा जो है वो एकदम सही हो, बाद में मैं भूल चूक माफ़ी मैं मांग लेती हूँ भगवान जी से, कुछ गलत वलत हुआ हो तो मुझे माफ़ करिएगा। तो बस फ्लस के कारण देखिए परफेक्ट लाइट वगैरह हो जा रही थी, इतना कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ पर मेरी जो पूरी चंद्रमा वाली पूजा थी वो हो गई है। अब जो ये करवे हैं इनको बदला जाता है, तो वो मैं बदलूँगी, वो कैसे बदलूँगी अभी आप लोगों को वीडियो में दिख जाएगा। अगर दो लोग पूजा करते हैं तो एक दूसरे के करवे से करते हैं, अगर एक लोग करते हैं तो अपने ही दोनों करवे से, इस तरह से इनको बदल लिया जाता है इधर से उधर, 4 बार बदला जाता है, तो 4थी बार में वो करवा आपका अपने पास अपनी पुरानी जगह पे वापस आ जाता है। और किस किसके यहाँ इस तरह की पूजा होती है, अगर कोई मुझे देख रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसके किसके यहाँ इस टाइप से पूजा होती है। और इटावा साइड बहुत जगह मैंने देखा है पूरा पूरा भोग भी लगाया जाता है, खाने का जो भी कढ़ी चावल बनता है, रोटी बनती है, उसका सबका भोग लगाया जाता है, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो हमारे यहाँ जैसा होता है मैंने बस उसी तरह से पूजा करी है। अब लास्ट में बचा है सुहाग लेना, तो बस मैं गौर माता ऊपर ही लेकर आई थी, उनमें सिंदूर चढ़ाकर फिर सुहाग ले लूँगी और जो हमारी पूजा है वो पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगी। तो बस फाइनली पूरा दिन बीत गया, बहुत अच्छे से बीता, मम्मी के यहाँ बिल्कुल भी
काम वाम तो कुछ पड़ा नहीं है, तो एकदम आराम से पूरा दिन कैसे निकल गया स्मूथली समझ में ही नहीं आया। लास्ट में वो तो मैं रेडी हो रही थी, साड़ी पहन रही थी, थोड़ी सी मुझे गर्मी लग गई इसलिए मेरा बीपी लो सा हो गया था, तो दिक्कत हो रही थी। बाकी मैं छत पे आ गई थी, यहाँ मौसम बहुत अच्छा था, तो यहाँ एक तो एकदम सही हो गई थी, मतलब मन अच्छा हो गया था ऊपर आकर ठंडी ठंडी हवा में। तो चंद्रमा की पूजा करने के बाद बारी आती है पतिदेव की पूजा करने की, जिनके लिए ये व्रत रखा था। तो इनके मैंने पहले टीका कर दिया, रोली चंदन, सॉरी रोली से टीका, रोली चावल फूल सब। बड़ा पता अजीब लग रहा था, मम्मी क्या मम्मी वीडियो बना रही थी, हम लोग मैं ये सब कर रहे थे, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं इनको खिला रही थी पिन्नी, तो ये बोले पहले तुम खाओ, तो मैंने कहा नहीं पहले आप खाओ मैं बाद में खाऊंगी। तो बस इनका आशीर्वाद लिया और अभी मैं इनकी आरती भी उतारूंगी, उसके बाद फिर ये मुझे पानी पिलाएंगे। इस समय सामने पानी रखा था, तो बस ये लग रहा था कितनी जल्दी मिल जाए पानी और मैं पी लूँ। और मेरा हर बार का आप लोग देखते ही होंगे जब से मैं वीडियो बना रही हूँ, हर बार मैं सब पूरा पूरा एक गिलास तुरंत पानी एक बार में खड़े खड़े ही पी जाती हूँ। हालाँकि बोलते हैं ऐसे पीना नहीं चाहिए, इकट्ठे बैठ के पीना चाहिए, बट इतनी प्यास लगी होती कुछ दिखाई नहीं देता आगे पीछे, बस ये लगता कितनी जल्दी पानी मिले और बस फटाफट से पियो। तो बस यहाँ पर मैंने इनकी आरती कर दी है, उसके बाद अब ये मुझे पहले प्रसाद खिलाएंगे, उसी पिन्नी का प्रसाद, और उसके बाद फिर मैं पानी पीऊँगी। बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है पानी सामने होता है ना, तो फिर कहते हैं ना पूरा दिन बीत जाता है, लास्ट में बिल्कुल भी टाइम बिल्कुल भी बीतता नहीं लगता, कितनी जल्दी पानी मिला। देखिए मैं कैसे घट 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 करके पूरा पानी पी जा रही हूँ। तो बस यहीं पर जो हमारा करवा चौथ का व्रत है वो होता है ख़त्म। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो हो गया करवा चौथ, हो गई पूजा, अब मैं जा रही हूँ चेंज करने। सबसे पहले चेंज मीन्स साड़ी चेंज करूँगी और ये गले का नेकपीस उतारूँगी, बाकी तो अभी कुछ चेंज नहीं करूँगी। पानी भर पिया है, मम्मी लेके आ रही वो गुड़ वाले जो फरे बनाए थे मम्मी ने, वो तो वो सब वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले मैं चेंज कर लूँ फिर मैं आप लोगों से मिलूँ। तो ये देखिए ये सारा खाना, हालाँकि इतना सारा मैं नहीं खाऊँगी मेरा तो पानी, मैंने दो गिलास पानी पिया, एक थम्सअप पी ली एक कैन, तो मेरा मन पेट भर गया। बस मम्मी ने आज ये बनाया, आज जो होता है वो मेन जो खाना होता है वो होता है कढ़ी चावल और ये भकोसे और ये जो ये गुड़ के फरे हैं ये। हालांकि हमारे यहाँ खाने का भोग नहीं लगता है, जो पिन्नियाँ बनती हैं उसी का भोग लगता है, जो सफ़ेद लड्डू जो मैंने आप लोगों को देखा होगा, आप लोगों ने मेरी थाली में रखे हुए थे चावल के आटे के लड्डू बनते हैं, वही उसी का ही भोग लगता है आज। स्पेशली हमारे यहाँ कोई पूड़ी वगैरह कुछ भी नहीं बन वो होती है। तो ये रही कढ़ी चावल, मम्मी ने भकोसे फ्राई कर लिए हैं, भिंडी की सब्जी, ये गुड़ के फरे, ये मटर पनीर की सब्जी, और रोटी जो है वो मम्मी सेक रही हैं। जब मम्मी सेक लेंगी तब हम लोग साथ में खाएंगे, एक साथ हम मम्मी और ये हम तीनों लोग साथ में ही खाएंगे। वो अभी तो बस मैंने आप लोगों को दिखाया थाली, मम्मी ने इतना सब पूरे दिन मम्मी आज लगी रही है, पूरा दिन मम्मी ने मेहनत करी है तब जाके सब बन पाया, क्योंकि ना इन इसमें और इसमें बहुत टाइम लगता है, पूरा दिन मम्मी ने मेहनत करी है आज। मम्मी की मेहनत पर एक लाइक तो बनता ही है यार, एक लाइक कर दो वीडियो। मैं बोल रही थी कि मम्मी की मेहनत पर एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दो। एकदम सॉफ्ट तुम हमको गाड़ी दे जो अब नमक सही है, इनका भी व्रत था ना। मम्मी को वजन दो कहाँ चलो मैं तू क्या कह रहा है? तो चेंज कर लिया है सब, ये सब उतार भी दिया, चूड़ा भी उतार दिया। ये मुझे ना कंगन मैच कर रहा था इसमें, तो ये पहने हूँ क्योंकि ये अभी हम लोगों को लेकर जा रहे हैं कहीं आउटिंग पे। कहाँ लेकर जा रहे हैं? आइसक्रीम डेजर्ट पे। आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहे हैं, आइसक्रीम। बज रहा है 10:15 और वहीं जा रहे हैं जहाँ हम लोग रक्षाबंधन वगैरह। मम्मी ठीक है? मम्मी बेचारी पूरे दिन काम कर करके आज थक गई, मम्मी के पैरों में दर्द हो गया। एक्चुअली ना मम्मी की अब आदत गई है छूट। नहीं,
मम्मी की अब आदत एकदम काम करने की छूट गई। भाई इतना काम नहीं होता, केवल दो लोग भैया और मम्मी रहते हैं घर पे, तो केवल दो लोग रहते इतना काम नहीं होता। और आज मम्मी को भाई जाहिर सी बात है पूरे दिन काम पड़ा। मैंने कुछ भी नहीं किया है आज, सिर्फ मैंने अपनी पूजा की तैयारी की है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। बाल मैंने खोल दिए, गजरा मैंने हटा दिया है, क्योंकि रात में बाहर गजरा वजरा लगा कर जाना मैं ठीक नहीं समझती, इसलिए गजरा मैंने हटा दिया है। तो चलिए मम्मी का फ़ोन ले लिया, इनका फ़ोन ले लिया, चलते हैं। मम्मी वॉशरूम गई हैं, वॉशरूम से आ जाएं। ये स्लीपर पहन लें, अपनी वाली पहने हम। मम्मी फिर क्या पहनेगी, मम्मी एक जोड़ी पहनेगी ना हम अपनी। मम्मी तुम कौन सी स्लीपर पहनोगी, जो पड़ी हैं हम अपनी पहने लेना है। एक्चुअली मेरी स्लीपर नहीं, मेरी वैली है, इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं ना पहनूं, बट मैंने पहन ली अपनी वैली। और सूट इतना कंफर्ट लगता है मैंने अपनी वैली। आलता लगे पहनना, बड़े अच्छे लगते हैं ये स्लीपर, तुम पहन लो। मम्मी फटाफट से अपनी साड़ी ऐसे ही सही कर ले रही है, इतनी जल्दी जल्दी ये कर रहे हैं, वरना बोल रहे हैं वो दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए बाहर कैसा काला काला सा चेहरा आ रहा है। चलो सारी शॉप्स देखिए बंद हो चुकी हैं। कस्बा है तो कस्बे के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है। दो एक शॉप ऐसी होंगी जो खुली दिखेंगी, वरना सब बंद हो चुकी हैं सारी दुकानें सब। ये एक आधी जो खुली है चूड़ी उड़ी की, तो बस यही खुली है। तो पहुंच चुके थे, सबसे पहले मैंने देखते ही पुडिंग उठाई कि मुझे पुडिंग खानी है स्ट्रॉबेरी, बट यहाँ पर वो टेस्ट नहीं मिला। अरे टेस्ट तो छोड़ो, कम से कम मिली गई इतना बहुत है। जब जिस समय हम लोगों की शादी हुई थी मेरी, या उसके बाद तो यहाँ पर कुछ नहीं मिला था। अब ऐसा है कि यहाँ पर सब कुछ अच्छे से मिलने लगा है। तो पुडिंग सबसे पहले मेरा खाने का मन था, तो पहले मैंने मम्मी को खिलाई, फिर मैंने इनको खिलाई, और फिर मैं खाने लगी। मम्मी बोली रुको रुको रुको, मैं तुमको खिला दूँ तो वीडियो में आ जाए। ये खाने के बाद फिर लेकर आए थे हम लोग आइसक्रीम, लेकर क्या वहीं पर ही थे। एक थी ये सिल्क चॉकलेट और एक ये रोस्टेड आलमंड वाली चॉकलेट थी। दोनों ही मतलब चॉकलेट फ्लेवर की थी, बट जो ये अभी ये खोल रहे ना, ये चॉकलेट नहीं लग रही थी देखने से, बट थी। इसमें लिखा था रोस्टेड आलमंड चॉकलेट मिक्स था इसमें, और ये जो अभी ये खोल रहा है सिल्क चॉकलेट, ये बहुत टेस्टी थी, एकदम डार्क चॉकलेट का टेस्ट था। और वैसे मुझे डार्क चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस दो डिब्बियाँ ली थी, उसी से हम तीनों ने मिल के खा लिया था। दोनों ने इन्होंने तो कम ही खाया था, मैंने और मम्मी ने ही ज़्यादा खाया था। हम दोनों को ये आइसक्रीम बहुत पसंद है, कितनी अच्छी आ रही है। तो हो गया हम लोगों का आइसक्रीम वगैरह, हम लोग खा चुके आइसक्रीम वगैरह हम लोग खा चुके, अब हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ। मैंने कुछ किया नहीं है, मुझे थकावट हो गई ऐसे ही व्रत रख के। मम्मी ने सारा काम किया, मम्मी को भी घर में जाके थोड़ा समेटना भी है, सब कुछ फैला पड़ा है। चलिए चलते हैं अब घर, आइसक्रीम खा ली, पुडिंग खा ली, सब कुछ ठंडा 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 खा के मन अच्छा हो गया। अब चलते हैं घर की तरफ। मम्मी अच्छी लगी आइसक्रीम? अच्छी लगी। मजा आया घूमने में? खूब। जरा देर के लिए घूमे खूब। तो आ चुके हम लोग वापस घर। बस आज का जो वीडियो यहीं पर खत्म करेंगे, अब हम लोग सोएंगे। बस सब कुछ हो गया। हम लोग गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, कहीं नहीं गए। तो बस जा रही हूँ, थोड़ा सा ये मेकअप जो किया था ना, इसको हटाऊंगी निकालूंगी, क्योंकि ऐसे तो सोना इम्पॉसिबल है। फिर मेकअप वगैरह निकाल के सोती हूँ, क्योंकि थकावट भी बहुत हो गई। मैंने तो कुछ नहीं किया, बिना कुछ किए थकावट हो गई। 11 बज गया, मम्मी को भी काम भी निपटाने हैं, और मेरी ना प्यास रह सी गई है। 5 ग्लास में पानी पी चुकी हूँ, अभी भी लग रहा है मैं और पानी पी लूँ। तो चलिए, कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरे पूरे दिन का वीडियो, बताइएगा।
अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, अच्छे से धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मेहंदी वाले हाथे मेरे, पायल वाले पाँव।